मंगलवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि समेत सभी राशियों के लिए कल का दिन सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपको कुछ नए जनसंपर्क का पूरा लाभ मिलेगा। आपके किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, एरीज। मेष राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। जो लोग व्यवसाय पार्टनरशिप में कर रहे हैं, कल उन्हें अच्छा खासा लाभ होगा, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाएंगे और अपने सभी कार्य को पूरा करने में सफल रहेंगे। जॉब कर रहे जातकों की बात करें तो कल आपकी नौकरी में पद परिवर्तन की संभावना है। आप अपनी तेज और सक्रिय दिमाग की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित यात्रा के भी योग है, यात्रा के लिए काफी लाभदायक रहेगी। नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कल आपको मित्रों के द्वारा कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, जिससे आप काफी खुश नजर आएंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की बात करें तो कल का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। आप अपने प्रेमी को अपने मन की बात कहेंगे, जिससे वह काफी खुश नजर आएंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार वालों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने की भी योजना बनाएंगे, जहां सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे। घर में नए मेहमान के आने की खुशी से घर में खुशियों भरा माहौल होगा और सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हुए नजर आएंगे। वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका मिलाजुला रहने वाला है। व्यवसाय जातकों की बात करें तो कल अपने व्यवसाय में रुकी हुई योजना को दोबारा से शुरू करने में कामयाब रहेंगे और व्यवसाय में रुके हुए धन का भी आगमन हो सकता है। विद्यार्थी जातकों की बात करें तो विद्यार्थी जातक खेल प्रतियोगिता की तैयारी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें जीत हासिल होगी। गुरुजनों का साथ मिलेगा। कल आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी। बदलते मौसम के कारण कल अपने आप को काफी अलग से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्यों को कल पर टाल सकते हैं। नौकरी कर रहे जातकों को अपनी नौकरी में स्थान परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिससे वह थोड़ा सा खुश थोड़ा सा दुखी नजर आएंगे। जो युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, कल उन्हें रोजगार मिलने के संकेत हैं। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के द्वारा गर्व महसूस होगा। वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित नजर आएंगे, जिसके लिए आप डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। कल आपको अचानक से किसी यात्रा पर जाने के संयोग है, जहां आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। कल का दिन परिवार वालों के साथ व्यतीत करेंगे और यह सीखेंगे कि धन को कैसे संचय किया जाता है, जिससे आप अपने आने वाले समय में धन को बचा सके। मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कल का दिन कुछ खास नहीं रहेगा। जॉब में स्थान परिवर्तन संबंधी निर्णय को लेने में आप असमंजस में रहेंगे। आपको नई नौकरी का ऑफर आएगा, जिसमें आपको पुरानी नौकरी में ही टिके रहना बेहतर होगा। कल आपकी मुलाकात आपके किसी पुराने मित्र से होगी, जिससे मिलकर पुरानी यादें ताजा होंगी। मित्र के साथ आप सुख दुख बांटते हुए नजर आएंगे, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। भाई के विवाह में आ रही अड़चने मित्र के द्वारा समाप्त होंगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, सभी लोगों का आना जाना लगा रहेगा। इसमें आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना है। बदलते मौसम के कारण आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सेहत के प्रति सचेत रहें। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं को लागू करेंगे। व्यवसाय से संबंधित यात्रा पर भी जाएंगे, जो यात्रा उनके लिए काफी लाभदायक रहेगी। नए नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेहनत उनको कामयाबी दिलाएंगी। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका सुखद रहने वाला है। छात्र खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। सभाओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे। परिवार वालों के द्वारा कल आपको कोई अधिकार सौंपे जाएंगे, जिनसे आप थोड़ा सा परेशान दिखेंगे। जो युवा घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, कल उन्हें परिवार की याद सता सकती है। बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिलने के संकेत हैं। अगर आपने कोई निवेश किया हुआ था तो उसका भी आपको फायदा होगा। संतान की शिक्षा के लिए आप अपने परिचितों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। कल आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। मन में निराशा व असंतोष के भाव रहेंगे। आप अपने परिवार की जरूरतों के लिए खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। अगर कल आप कोई भी निवेश करेंगे तो उसका आपको फायदा ही होगा। माता पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। कल आपको अपने परिचितों के द्वारा आय के काफी सारे अवसर भी प्राप्त होंगे। आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल किसी भी पारिवारिक यात्रा संबंधी योजना को टालना ठीक नहीं है। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे, जिससे आप और आपके परिवार वाले काफी खुश नजर आएंगे। नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं, जिसमें आपकी आय और पद में भी बढ़ोतरी होगी। सेहत का ध्यान रखें। बदलते मौसम से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में कुछ बदलाव करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
वैवाहिक जीवन में कुछ लोगों की दखलंदाजी के कारण खटास देखने को मिलेगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से सभी चीजें ठीक करने में कामयाब रहेंगे। भाई बहनों की उच्च शिक्षा के लिए आप धन का निवेश करेंगे। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, कल उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। माताजी का सानिध्य मिलेगा। पिताजी का पैर छूकर आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करेंगे, सभी में सफलता प्राप्त होगी। कल आपकी मुलाकात आपके पुराने मित्र से होगी, जिससे मिलकर आपको अपनी बचपन की यादें ताजा होंगी। आप मित्र के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। आप अपने परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनाएंगे, जहां सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे और आपके मन को शांति मिलेगी। कन्या राशि वर्गो। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका प्रसन्नता से भरा रहने वाला है। बात करें नौकरी पेशा लोगों की तो कल का दिन आपका बढ़िया रहेगा। आपको अपनी जॉब में उच्च अधिकारियों से लाभ हो सकता है। नई नौकरी का भी ऑफर मिलेगा, जिसमें आय अधिक होगी, लेकिन अभी आपको अपनी पुरानी नौकरी में ही टिके रहना बेहतर होगा। कल आपके दिल की धड़कन आपके प्रिय के साथ ताल से ताल मिलाती हुई मालूम होगी। आप अपने प्रिय के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे, जहां दोनों को एक दूसरे को जाने का मौका मिलेगा। खर्चों की अधिकता भी रहेगी, आय में वृद्धि भी होगी। आपकी जमीन कल अच्छे दामों में बिक सकती है। नई जमीन भी खरीदेंगे, जो आने वाले समय में आपको काफी लाभ प्रदान करेगी। जो युवा घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, कल उन्हें परिवार की याद सता सकती है। विदेशों से आयात निर्यात कर रहे जातकों को कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, जिससे काफी खुश नजर आएंगे। कल आप अपने परिवार वालों के साथ पार्टी में सम्मिलित होंगे, जहां आपकी मुलाकात किसी रसूखदार व्यक्ति से होगी, जो आपके रुके हुए कार्यों को पूरा कराने में काफी सहायता करेंगे। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी खूब मन लगाकर करते हुए नजर आएंगे। तुला राशि लिब्रा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका बेहद सुखद रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे जातकों को अपने व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा, जिससे वह काफी खुश नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अपने रुके हुए कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे थे, उनमें कामयाबी मिलेंगी। अपने लिए कोई नया वाहन भी ले सकते हैं। मकान प्लॉट को खरीदने की योजना बना रहे थे, उसमें भी धीरे धीरे कामयाबी मिलेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। माताजी का सानिध्य मिलेगा। पिताजी का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। किसी व्यक्ति की सहायता से कल आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। नौकरी कर रहे जातकों को नई नौकरी मिलेगी, जिसमें आय अधिक होगी। घर में भजन कीर्तन आदि का आयोजन होगा, जिसमें सभी परिचितों का आना जाना लगा रहेगा। भाई के विवाह में आ रही अर्चना मित्रों के द्वारा समाप्त होंगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। घर के सभी लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हुए नजर आएंगे। वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद से कल आपको धन लाभ होगा। सेहत में पहले से सुधार होगा। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका बढ़िया आने वाला है। कल आपके मित्र आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। आय में वृद्धि होगी या निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की बात करें तो कल के दिन आप अपने प्रेमी के साथ खुशी भरे पल व्यतीत करेंगे, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की दखलंदाजी के कारण मनमुटाव देखने को मिल सकती है। जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, कल उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, जिससे वह काफी खुश नजर आएंगे। जीवन साथी के कारण कल आपको काफी खर्च करना पड़ सकता है। आप अपने बिजी दिन में से अपने लिए कुछ समय निकालेंगे, जिसमें अपने मन पसंदीदा कार्यों को करेंगे, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। नौकरी कर रहे जातक नौकरी के साथ साथ कोई साइड काम करने का भी निर्णय लेंगे, जिसमें उनके परिवार वाले उनकी सहायता करेंगे। कल आपका नकारात्मक रवैया आपकी प्रगति में रोड़ा अटका सकता है। परिवार को लेकर भी थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। सहकर्मियों के साथ काम करते हुए अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखें। हायर एजुकेशन के लिए समय बढ़िया है। विद्यार्थी अपना मनचाहा विषय पढ़कर काफी खुश नजर आएंगे। धनु राशि सैजिटेरियस। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जॉब में नवीन अनुबंध से उन्नति के संकेत हैं। सीनियरों का सहयोग मिलेगा। अधिकारियों से बात करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा। विवादों की एक लंबी कड़ी आपके रिश्ते को कमजोर कर सकती है। नौकरी कर रहे जातकों को ऑफिस के कार्य से यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो यात्रा उनके लिए काफी लाभदायक रहेगी। कल आपकी नकारात्मक सोच आपको परेशान कर सकती है। आप अपने कल के कार्यों को कल पर डाल सकते हैं। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा, जिससे खुशियों भरा माहौल होगा। कल आप अपने बिजी दिन में से कुछ समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे, जिससे आप अपने आप को काफी तरोताजा महसूस करेंगे। जो लोग पैतृक व्यवसाय करते हैं, कल वह अपने व्यवसाय में बदलाव के लिए वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थी कुछ विषयों में समस्या को लेकर अपने माता पिता से बात करेंगे, जिसके लिए उन्हें अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराया जाएगा। छात्र एक शहर से दूसरे शहर भी शिक्षा ग्रहण करने जा सकते हैं। कुवारे लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा, जिससे वह काफी खुश नजर आएंगे। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका मिलाजुला रहने वाला है। जो लोग राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय बढ़िया है।
आपको सभाओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा, नेताओं से भी मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। कल का दिन आप परिवार वालों के साथ व्यतीत करेंगे, जहां आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। परिवार के लोगों के बीच पैसे को लेकर कल कहासुनी हो सकती है। कल आपके ऊपर परिवार की ओर अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिससे आप थोड़ा सा परेशान दिखेंगे। आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जॉब में किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहेंगे। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। अपनी साख चारों ओर फैलाने में कामयाब रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। घर से ऑनलाइन कार्य कर रहे जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। रचनात्मक व कलात्मक क्षेत्रों में वृद्धि होगी। कल के दिन आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको काफी लाभ प्रदान करेगी। नए वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। आस पड़ोस में हो रहे वाद विवाद में पड़ने से बचना है, नहीं तो आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। जो लोग घर से दूर नौकरी कर रहे हैं, कल उन्हें परिवार की याद सता सकती है। विद्यार्थी खूब मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि अक्वेरियस। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करो तो कल के दिन आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके सभी कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। कल व्यवसाय में नवीन कार्य आरंभ करेंगे, जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। पिताजी से कल आप अपने मन की बातों को साझा करेंगे। माताजी को लेकर ननिहाल घूमने जाएंगे। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। माताजी को लेकर आप धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जहां आप कुछ समय व्यतीत करेंगे। आपके मन को शांति मिलेगी। परिवार वालों के साथ घूमने फिरने की योजना बनाएंगे। कारोबार की समस्याओं के प्रति सचेत रहें। आवश्यकता कार्य क्षेत्र में अधिक बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवन साथी के साथ अकेले में वक्त बिताने का काफी समय मिलेगा। वरिष्ठ द्वारा आपको कुछ कार्य सौंपा जाएगा, जो आपको अवश्य करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। सायंकाल का समय अपने मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे। विद्यार्थी जातक कल कुछ विषयों को लेकर काफी जागरूक रहेंगे। घर में किसी नए मेहमान के आने से परिवार में खुशियां भरा माहौल होगा। आपके मन की कोई इच्छा कल पूरी होगी, जिससे आप काफी खुश नजर आएंगे। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। मीन राशि पाइसिस। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन बेहतर रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कल के दिन जॉब को लेकर कोई बड़ा कार्य पूरा होगा। आपको किस स्रोतों से आर्थिक लाभ होगा? बेवजह का शक रिश्ते को खराब करने का काम करता है। ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाएंगे। कल आपको नई नौकरी का ऑफर आएगा, जिसमें आय अधिक होगी। आपके पद में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में रुकी हुई योजनाओं को दोबारा से शुरू करने में कामयाब रहेंगे। वरिष्ठ सदस्य भी आपके व्यवसाय में धन खर्च करेंगे। भाई के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। खुशियां भरा होगा। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हुए नजर आएंगे। संतान के द्वारा सुखों की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होगा। भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। जो लोग राजनीति में करियर बनाना का प्रयास कर रहे थे, कल उन्हें कामयाबी मिलेगी। पैतृक संपत्ति से धन लाभ के संकेत हैं। मकान प्लॉट आदि को खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी। विद्यार्थी जातक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें उन्हें जीत हासिल होगी। लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। प्रेमी के साथ प्यार भरे पल व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। परिवार वाले कल आपका कोई सरप्राइज पार्टी भी देंगे।